सांसद ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर आज चुन लिए गए। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में उनका लगातार ये दूसरा कार्यकाल होगा। एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला ध्वनि मत से लोकसभा के स्पीकर चुने गए और पीएम नरेंद्र मोदी और सदन में विपक्षी नेता राहुल गांधी ने उन्हें आसन तक छोड़ा। ये तस्वीर हम आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखें ये उस वक्त की तस्वीर है जब ओम बिरला को नया स्पीकर चुन लिया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें बधाई देने के लिए पहुंचे और इसी बीच राहुल गांधी भी वहां पर पहुंचे और उन्होंने पीएम मोदी ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बुलाया। और ये आज की सबसे खास तस्वीर इसलिए है क्योंकि यहां पर पीएम मोदी ने राहुल गांधी के साथ जो है वो हाथ मिलाया है। और जब नया स्पीकर चुन लिया जाता है तो प्रधानमंत्री के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष जो है वो आसन तक छोड़ने के लिए जाते हैं और ये इसी परंपरा को यहाँ पर निभाया जा रहा था। और उस वक्त जब प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचे तो उन्होंने राहुल गांधी को बुलाया जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने पहले बधाई दी और उसके बाद पीएम मोदी और राहुल गांधी ने हाथ मिलाया है। और ये शुरुआत से मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओम बिरला के पास जा रहे हैं नए स्पीकर चुने जाने के लिए, उन्हें वो बधाई दे रहे हैं। इस बीच वो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बुलाते हैं, राहुल गांधी ओम बिरला को जो है वहाँ पर बधाई देते हैं और फिर राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ मिलाते हैं और आगे दोनों बढ़ते हुए जहाँ आसन तक छोड़ने के लिए ओम बिरला को जा रहे होते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी। तो आज ओम बिरला ये आसन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये पूरी परंपरा होती है जब नए स्पीकर चुने जाते हैं तो प्रोटेम स्पीकर अपना आसन जो है स्पीकर को यानी कि लोकसभा के जो अध्यक्ष चुने गए हैं ओम बिरला उन्हें सौंपते हैं, वो वहां से जाते हैं और आसन तक छोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वहां जाते हैं। तो आज की सबसे खास तस्वीर सियासत की यही रही जब राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। तो बेहद ही खास तस्वीर आज देखने को मिली है और ये लोकसभा से तस्वीरें सामने आई, अभी भी लोकसभा की कार्यवाही चल रही है, क्या कुछ अपडेट है आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त का हेडलाइंस।